रीवा में पुलिस का एक नया कारनामा उजागर हुआ है, जहां जिले के नई गढ़ी थाना में पदस्थ थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने मारपीट के मामले में गवाही देने गए युवक पर अनगिनत लाठियां बरसाईं। मारपीट इस कदर की गई कि युवक बुरी तरह से घायल हो गया, हाथों में भारी सूजन आ गए तो पीड़ित युवक रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। दरअसल मामला जिले के नई गढ़ी थाने से सामने आया है, जहां पर मारपीट के मामले में गवाही देने थाने पहुंचे युवक के साथ मारपीट की गई। मारपीट इस कदर की गई कि पीड़ित युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक का कहना था कि वह एक मारपीट की घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, तो एक पक्ष के लोगों ने उसका नाम थाने में गवाही के तौर पर लिखवा दिया था। जब पुलिस ने उसे थाने बुलाया और उसका बयान लेना शुरू किया, तो पुलिस ने युवक पर ही झूठी गवाही देने का आरोप लगाते हुए एक अलग कमरे में ले जाकर जमकर मारपीट युवक की। पीड़ित का कहना है कि उस पर अनगिनत लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण उसके हाथ और पैर में काफी सूजन आ गया। पीड़ित युवक ने मारपीट का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि थाने के प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और अन्य पुलिस कर्मियों पर लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर का कहना है कि एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है कि पुलिस वालों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, अगर घटना सत्य पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? पुराई में। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हम साहब गवाही में गए, दो लोग झगड़ा किए, कमल चतुर्वेदी, मैं वहाँ चौराहा पर बैठा था, वहाँ गया तो मैं देखा तो ये सब मार रहे थे उसको, कमलाकांत चतुर्वेदी को और उसकी औरत को, तो हुफा हुफा, तो मैं मना किया। फिर यहाँ से हम आपस आया, वो लोग घेर के मारे थे, मना कर रहा था। फिर इसके बाद मैं थाने गवाही बिहान भाई लाए और मेरे को टीआई साहब बोले तू झूठ बोल रहे हो, पैसा लिए हो और उन लोगों को गलत बोल रहे हो। फिर फोरूम में तीन नंबर में ले गए या मेरे को मारना चालू कर दिया। आप कहे ले गए थे थाने? मैं गवाही में साहब ले गए थे मेरे को, जिनके साथ मारपीट हुई उनके तरफ से आप गवाही? जी 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 जी। कहे से मारे पुलिस वालों? डंडा से मारे हैं साहब। कहाँ कहाँ मारपीट की? शरीर में साहब यहीं हाथ में लगा है और पीछे लाठी, दो लाठी मारे थे, अभी निशान है, काला पड़ गया है। हाथ में भी सूजन है? जी हाथ में भी सूजन है। जी हाथ तो सूजन है। कहाँ ले जाकर मारे थे? शोरूम में तीन नंबर में। कितने डंडे मारे होंगे? शोरूम कहाँ? शोरूम कहाँ है? ये अलग रूम रहता है थाने का। अच्छा, थाने का शोरूम है। जी वहाँ कैमरा नहीं लगा? अब सर कमरा नहीं लगा है, वो अलग रूम में ही है। कौन कौन लोग मारे? टीआई साहब स्वयं मारे हैं, एक पुलिस वाला और था। क्या नाम है टीआई साहब? हम नाम नहीं जानता। कितने डंडे मारे था? करीब हमको मारे होंगे 50 डंडा मारे होंगे साहब। थाना कौन सा था? थाना नई गढ़ी था। एडिशनल साहब से आपने शिकायत की, क्या कहा उन्होंने? एडिशनल साहब से आप मिले अभी, क्या कहा, क्या बोले वो? बोले आप कार्रवाई करवाओ, देखे सुने सामने खड़े थे। कार्रवाई करने की बात कहीं है, किस मूल्य आए थे आप, क्या बोला जी? अब साहब बोले कि ठीक है, मैं रिपोर्ट वोपोर्ट लिख लिए। हाँ, एक सूचना भी प्राप्त हुई है कि नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ने किसी को जो है अनाधिकृत रूप से मारपीट की है, ये संज्ञान में अभी बात आई है और आवेदक भी जो है रिपोर्ट करने आ रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही आ जाएगी उनसे बात की जाएगी और उसकी जांच कराई जाएगी, यदि पुलिस की तरफ से किसी अधिकारी कर्मचारी ने कुछ अतिशय किया हो जो कानून परिधि में नहीं आता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।